तो फिलहाल हम लोग हैं जी त्रिवेंद्रम में ही। हम लोग को आज ही निकल जाना था, लेकिन फ्लाइट जो है हमारा उसके साथ कुछ सीन हो गया। कारगिल का जो विजय दिवस है उसको लेकर के एक सेरेमनी है, और जो भी हमारे जवान थे उनकी फैमिली आई हुई है, जिन जो भी शहीद हो गए थे कारगिल की इस लड़ाई में। तो हम लोग आ गए हैं जी अब सुपर मार्केट के अंदर, और यहाँ पे जी आप देख रहे हैं ड्रैगन फ्रूट और ग्रैंड सभी भी सोया हुआ है। सभी लोग उतर रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं कि सब उतर जाएगा तो उतरेंगे, क्योंकि ग्रैंड सभी सोया हुआ है। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, पीछे से आ रही है। कौन सा नया स्टाइल सीखा है कैमरा नहीं देखा है, देखिएगा ना तब बदमाश से निकलेगा। ये देखो, ये देखो। नहीं नहीं मम्मा। 3 hours later। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो फिलहाल हम लोग हैं जी त्रिवेंद्रम में ही। हम लोग को आज ही निकल जाना था, लेकिन फ्लाइट जो है हमारा उसके साथ कुछ सीन हो गया। आगे चल के उसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल चल रहे हैं लूलू मॉल, और वहाँ पर चल करके हम लोग थोड़ा सा घूमेंगे, समय बिताएंगे और आगे बातचीत भी करेंगे। बिल्कुल, तो चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं जी लूलू मॉल के अंदर, और यहाँ देखते हैं कारगिल का जो विजय दिवस है उसको लेकर के एक सेरेमनी है, और जो भी हमारे जवान थे उनकी फैमिली आई हुई है, जिन जो भी शहीद हो गए थे कारगिल की इस लड़ाई में, जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं, अपने घरों में बैठे हुए हैं, उन्हीं सबको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। तो अच्छे खासे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, देख रहे हैं पूरे मॉल पर चारों ओर से सभी लोग हैं यहाँ पर। तो अभी भी सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं जी अब सुपर मार्केट के अंदर, और यहाँ पे जी आप देख रहे हैं ड्रैगन फ्रूट। हाँ, तो एक मुझे मिली थी वो हैदराबाद की, तो उनकी बेटी भी इतनी बड़ी थी, वो मुझे बोल रही थी ये खिलाना क्रियांश को, पता होता है। हाँ, बहुत अच्छा होता है, बोल रही थी। Next day. तो फिलहाल है जी हम लोग फ्लाइट में हैं, और अभी हम लोग हैं त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट में, और यहाँ से हम लोग जो है निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए। हैदराबाद से कनेक्टिंग फ्लाइट, और वहाँ से चले जाएंगे बागडोगरा, और हम लोग जो है दोपहर 1 बजे तक पहुँच जाएंगे बागडोगरा, और उसके बाद जो है शाम को 4 बजे ट्रेन है, तो 3 घंटा का गैप है वहाँ पर, तो अच्छा खासा ट्रेवल है। तो अभी सुबह 5 बजे हम होटल से निकले हैं, और रात को 8 बजे करीब हम पहुँचेंगे। बोलो तुम क्या बोलना है, तुमको कुछ बोलना है? तो यहाँ जो है पिछले 2 घंटे से अच्छा खासा घुमाया है हम लोग को, थोड़ा पहले ही आ गए थे एयरपोर्ट पे, पता नहीं था कि कितना समय लगेगा कितना नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा टाइम लेकर के ही चलते हैं। और फिलहाल बैठे हुए हैं जी, इंतजार कर रहे हैं फ्लाइट की टेक ऑफ करने का, और फिर पहुँचेंगे। तो कुछ देर में हम लोग बस अब लैंड करेंगे, और क्रियांश फिर से सो गया है। अच्छा है, अभी 2-3 घंटा बाद है ट्रेन, तो आराम से सोया हो रहेगा, लेकिन उठ जाएगा थोड़ी देर में। और बाहर का व्यू इतना मस्त है ना, एकदम लग रहा है बादल पर तो धूप पड़ रहा है ना, गजब लग रहा है, लग रहा है एकदम स्वर्ग है। तो देखते रहते हैं हम लोग देवता सब लोग। हाँ, महाभारत समय ना। हम लोग पहुंच चुके हैं बागडोगरा एयरपोर्ट, और क्रियांश अभी भी सोया हुआ है। सभी लोग उतर रहे हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं कि सब उतर जाएगा तो उतरेंगे, क्योंकि क्रियांश अभी सोया हुआ है, तो आराम से उसको सोने दें। बिल्कुल, क्या दिक्कत है, सबको उतरने दें, सबसे लास्ट में उतरेंगे। हम सभी पहुंच चुके हैं बागडोगरा स्टेशन, और क्रियांश को देख सकते हैं। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? बोल पापा, पापा, पापा को बुलाइए। तो चलो पापा को बुलाइए, कान्हा जी पापा को बुलाइए। तो अभी ट्रेन को आने में 20 मिनट है, तो हम और क्रियांश घूम रहे हैं। है क्रियांश, पापा को बुला रहे हैं। बेटा चलो चलो, वाओ, चलो चलो चलो। क्रियांश ये कर रहा है, क्रियांश पापा, वाओ कितना सुंदर लग रहा है।
तो अभी बज रहे हैं जी 3:35 और गाड़ी के आने का जो समय है वह है 3:50। तो मतलब कि 15 मिनट हम लोगों को यहाँ पर इंतजार करना है। हमें क्या हो गया कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, हम सिलीगुड़ी और बागडोगरा को लेकर के मिक्स कर गए। तो सिलीगुड़ी पहुँचने का समय है 3:15 और यहाँ पर पहुँचने का जो बागडोगरा का समय है वह है 3:50। तो मेरे दिमाग में चल रहा था हमें सिलीगुड़ी जाना है, इतना भाग के आए वहाँ से, खाना भी इतना हड़बड़ी में खाए हम लोग, और उसके बाद जो है ट्रेन का कंपार्टमेंट के बारे में पता किया कि जो हमारा कोच है वो कहाँ लगती है, तो बताया कि यह जो बोर्ड है बागडोगरा का इसी के बगल में लगती है। तो भागे भागे आए, देखे कि कोई ट्रेन भी आ गई, तो अब सोचे कर यार अब तो ट्रेन छूट जाएगा, लेकिन देखे क्या कि वह ट्रेन जो था महानंदा एक्सप्रेस, जान में जान आई। फिर उसके बाद फिर से चेक किए, फिर हम सोचे कि हम जो है सिलीगुड़ी को जो है बागडोगरा से क्यों मिक्स कर रहे हैं, हमको तो बागडोगरा से जाना है। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, शेड यहाँ पर है भी नहीं, और अच्छा है कि मौसम जो है थोड़ा ठीक है, वरना दिक्कत हो जाती है धूप में इतना दूर खड़े रहते। जब धूप की बारी आती तब तो हम लोग वहाँ शेड में चले जाते, उतना दूर जो है उधर हम लोग चले जाते। और इधर देखिए जी, हम हैं, क्रियांश है, जिया है, या बकरी है एक दो जो चल रही है, यही है स्टेशन की जनसंख्या। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, पीछे से आ रही है ट्रेन और सारा सामान सब यहाँ पहले से लाए हुए हैं, और कंपार्टमेंट उम्मीद करते हैं कि इधर ही हो, उससे शायद थोड़ा सा आगे हो सकता है वो, तो वहीं पर चलते हैं हम लोग। तो हम लोग की ट्रेन आ गई है जी, और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, और एक अच्छी बात क्या रही, थोड़ा सा लग गया चोट, कोई बात नहीं, और एक अच्छी बात क्या रही कि हम लोगों को जो है मिल गई है कूपा, देख सकते हैं। तो हम लोग जो है इस कूप में रहेंगे, और अच्छा है जी अपनी प्राइवेसी, और क्रियांश को खेलने के लिए भी मस्त हो गया, अच्छा खासा स्पेस है, बहुत बड़ा है, और सीट भी इसका लेकिन ज्यादा बड़ा है बाकी सब ट्रेन के मुकाबले। हम देखे आराम से सो जाएगा, तब ऐसा करते हैं जल्दी से क्रियांश को सुलाओ, 3 घंटा जो है नींद मारेंगे तो उसके बाद जाएंगे घर, और फिलहाल क्रियांश को देख करके लगने रहेगी अभी सोने वाला है, क्योंकि सो के उठाएंगे तो फिर तो सोएगा, वो भी बात है, तब तुम संभालो हम ऊपर जाते हैं फिर, ठीक है। यहाँ पर खेलेगा जी, नहीं हम संभाल रहे थे, झूठ बात, गलत बात, बिल्कुल गलत बात बोल रही है। तो चलते हैं जी, थोड़ा सा आराम करते हैं। इधर का व्यू दिखाते हैं आपको, इधर का व्यू देखिए, क्या कर रहे हो क्रियांश? अच्छी बात यह है कि डस्टबिन पूरा साफ है। 3 hours later क्या क्रियांश किधर घुस गया था तू? कहाँ घुस गया था तू? हाँ तो क्रियांश जो है वहां तक चला गया था, तो पहली बार ये हरकत क्या, एक रास्ता का यह जो है आविष्कार कर लिया है, इसको भी सटाना पड़ेगा, पहले तो उधर घुस जाता था, उसको सटाया, उसको भी सटाना।